ये कचर कचर की आवाज है डैशबोर्ड की. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीएनजी की लाइन, सीएनजी की लाइन कुछ भी नहीं है, टाटा की लाइन में लग के देखो. एक बार उन्होंने पूरा थर्मोकॉल वगैरह डाला है इसमें, सब कुछ करा और बोला लो हो गया. अगले दिन फिर आवाज आनी शुरू हो गई. तो भंडारा लेने जाते हैं ऐसा लगता है गाड़ी लेके गए कि कोई हमें प्लीज हमारी सर्विस करके दे दो. और वो लोग लिटरली ऐसी ऐसी बात करते हैं, अरे यार ये साला फिर आ गया, ऐसे बोलते हैं वो लोग. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में. और आज मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप बोल सकते हैं कि भैया ड्यूअल सीएनजी लगने की जिसमें शुरुआत हुई वो एल्ट्रॉज में हुई थी. टाटा ने एल्ट्रॉज में ड्यूअल सीएनजी लगाया और ये गाड़ी खूब बिकी. एक्सएम प्लस है ये वाला जो वेरिएंट मेरे साथ खड़ा हुआ है, और इसके ऑनर हमारे साथ हैं, बहुत ही बुलंद आदमी है, उनसे मिलवाते हैं आपको. जस्सी जी आइए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत आपकी गाड़ी के साथ. अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया बुलंद. और बताओ, चश्मा उसमें लगा के पूरा एकदम? हाँ बस थोड़ा सा डे टाइम में काम चल रहा था तो धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, गर्मी बहुत है और हालतें भी बहुत खराब है. बस ये है कि एसी अच्छा है हमारी गाड़ी का तो थोड़ा सा नहीं तो ये मैं पूछूंगा ना, पूछा ही नहीं मैंने. तो बताइए ये एल्ट्रॉज आपने कब खरीदी और सीएनजी में क्यों खरीदी थी? ये अमित भाई हमारा सीन थोड़ा सा बिजनेस का चलता है तो हमारी रनिंग अच्छी रहती है, तो ऑफलाइन मार्केट कवर करने के लिए हमें सीएनजी की थोड़ी नीड रहती है, तो भागा दौड़ी की वजह से सीएनजी ले ली थी. प्लस हमें एक एडवांटेज और मिला है इससे कि थोड़ा सा हमें बूट स्पेस मिल गया 200 लीटर का, तो उसकी वजह से मैंने सोचा दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सीएनजी भी मिल जाएगी बूट स्पेस भी मिल जाएगी. कितने की पड़ी थी ये? पड़ी मेरे को 970 के आसपास की पड़ी थी. कितना चला चुके हो अब तक? मैं इसको 11,000 के अराउंड चला चुका हूँ, तो 2023 नवंबर में खरीदी थी. तो जस्सी भैया अभी चुप होंगे क्योंकि इनसे बाकी सवाल करूंगा गाड़ी में बैठ के. सवाल क्या क्या करने वाला हूं, कितने खुश हैं एक सवाल तो रहेगा ही, कितना देती है ये भी सवाल रहेगा, ड्यूअल सीएनजी में क्या प्रेशर वगैरह के साथ में परफेक्ट सीएनजी आ पाती, कितने किलो सीएनजी इनकी गाड़ी में आती है, अब तक कितना पैसा बचा चुके हैं, क्या अफसोस है इनको नहीं है, सर्विस से कितने खुश हैं, ये गाड़ी इनका कितना साथ निभा रही है, तरक्की कितना दिलवा रही है, क्योंकि उन्हें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था. बिल्कुल. तो इन सारे सवालों का जवाब पूछेंगे इस गाड़ी में बैठ के. रेडी हो भाई साहब? श्योर. चलते हैं बात करते हैं बैठ के. बिल्कुल अमित भाई जैसा बोल. तो जस्सी भाई के साथ उनकी इस अल्ट्रॉज सीएनजी में हम आ गए हैं. तो जस्सी एक चीज़ बताओ, इस गाड़ी को जब लेने गए थे तो आपके जहन में कुछ और गाड़ियां नहीं थी, बस यही लेना था? तो सीएनजी में मारुति और ह्यूंडई भी बेचते हैं. अमित भाई मेरे को मेरी प्रेफरेंस थी सीएनजी, नो डाउट. मैं वेट भी कर रहा था कि कोई अच्छी सीएनजी मेरे को मिल जाए. मारुति से मेरे को पहले से अटैचमेंट नहीं है बिकॉज मेरे को थोड़ा सा हैवीनेस चाहिए गाड़ी में. बट जब मेरे को पता चला कि कोई डबल सिलेंडर करके लॉन्च कर रहे हैं टाटा, तो बैक टू बैक दो गाड़ियाँ आई थी एल्ट्रॉज और पंच. तो मैंने इको स्पोर्ट पहले यूज़ करी हुई है तो मेरे को वो एसयूवी की फॉर्म में नहीं लगी पंच. मैंने कहा ठीक है एक प्रीमियम हैचबैक ली जाए जो कि एल्ट्रॉज है, तो आई थिंक ये अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी मेरे को लगी. अच्छा, अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी? हाँ, इंक्लूडिंग सीएनजी. अदरवाइज इसकी हुंडई i20 के साथ ली जा सकती है कंपेयर. ड्यूअल सिलेंडर लेने का मकसद कोई खास था? हाँ, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को इसमें बूट स्पेस मिल गया 200 लीटर का, जिससे एटलीस्ट मेरे को दो सूटकेस रखने की जगह मिलती है, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स में अपने काम में अगर बोलूं तो एक मेरे को कार्टन रखने की जगह मिलती है. तो उसके हिसाब से मैंने फिर डबल सिलेंडर लिया. और मेरे को थोड़ा सा वहम ये था कि डबल सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. और अभी भी बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है इस बात का कि डबल सिलेंडर का मतलब ज़्यादा गैस है. एक सवाल मेरा यहाँ बनता है जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्यूअल सिलेंडर में वो प्रेशर नहीं मिलता है, टाइम लगता है, या पूरा प्रेशर आता नहीं जितना आना चाहिए, कैपेसिटी फुल नहीं हो पाती है, तो इसके बारे में थोड़ा बिल्कुल जवाब दीजिए आपके. तो क्या होता है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि ये सीएनजी जो पंप है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उस पे सीएनजी के प्रेशर का मैटर करता है पंप का. गाड़ी के सिलेंडर्स एक हों या दो हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अव्वल दूसरा, मैंने कितनी दफ़ा ऐसा सोचा कि मेरा कहीं ऐसा ना हो डबल सिलेंडर की वजह से कम गैस आ रही हो, मगर जहाँ भी मेरे को अच्छा प्रेशर मिला है ऑनलाइन गैस पंप पे, वहाँ पे मेरी परफेक्ट गैस आई है. परफेक्ट बोले तो कितने किलो? परफेक्ट बोलने का मतलब मेरा सीधा सीधा 9 किलो है. अच्छा, 9 kg. कितने रुपए में आप भरवा लेते हो? वैसे अभी जो चल रही है वो 78 के अराउंड चल रही है, तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ जो अभी हम जिस लोकेशन पे हैं यूपी वेस्ट में, यहाँ के हिसाब से मेरा जाता है तकरीबन 700-750 के आसपास
फुल हो जाता है, वो मैटर करता है, कभी 8 किलो आ रही है, कभी 8.5 आ रही है, वो उस हिसाब से है। जसी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसे एक टैंक में कितने किलोमीटर चला लेते हैं, मतलब एक बार जब सीएनजी भरवाते हैं 9 किलो में कितनी दूर? तो 9 kg सीएनजी में मेरा 180 टू 185 किलोमीटर जाता है, हो जाता है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो 23 का एवरेज बैठता होगा शायद, मतलब 750 रुपये में आप 180-190 किलोमीटर कर लेते हो। हाँ जी। अब पेट्रोल पे जब चलाते हो, पेट्रोल पे कैसा परफॉर्मेंस रहता है, सीएनजी और पेट्रोल दोनों जी रहे हो या नहीं? मैं लिटरली बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना पिकअप में ना परफॉर्मेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 5 to 6 किलोमीटर का आपको एक वो मिलेगा ग्लिच, मतलब 5-6 के पिकअप का। अच्छा। उससे ऊपर कुछ ग्लिच नहीं है, मेरे को ऑलमोस्ट सेम लग रहा है पेट्रोल और, मतलब खुश हो आप कुल मिला के? हाँ, सीएनजी से मैं आई एम वेरी हैप्पी, परफॉर्मेंस से खुश, नो डाउट। कंफर्ट की अगर बात करें तो कितने लोगों को बिठाते हो इस गाड़ी में या अकेले चलते रहते हो? सो मैं इसका कंपैरिजन अभी डबल सिलेंडर की ही पंच से करना चाहूंगा। हाँ? जिसमें मुझे लगता है कि 5 सीटर वो कंप्लीटली नहीं है। हाँ? वो 4 सीटर ही मैं मानूंगा उसे, फिफ्थ बंदा थोड़ा परेशान ही रहेगा। जबकि हमारे इसमें अल्ट्रोस में इतना अच्छा खासा लेग स्पेस है कि 5 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अच्छा, 5 लोग बैठ जाते हैं आराम। बिठाया आपने? हाँ, बैठा है। और उसके बाद प्रदर्शन कैसा रहता है? सो मैंने अपना 3 दिन का एक ट्रिप मारा था नैनीताल का, 5 लोग आराम से कंफर्टेबली पूरा ट्रिप करके आ गए, नो इश्यूज। अगर ये ना ही होती सीएनजी में तो क्या आप मारुति की कोई गाड़ी ले लेते? तो अमित भाई, मैं इसमें बताऊंगा आपको कि मैं शुरू ही ये कर रहा था, ग्रैंड विटारा वगैरह सोच रहा था मैं। हाँ। क्योंकि वो हाइब्रिड है, फिर एक मेरे दिमाग में ब्रेजा की हाइब्रिड भी थी, वो तब तक मेरे ख्याल इन्होंने बंद कर दी थी ऐसा कुछ था। बट देन फिर मैं सीएनजी की तरफ मूव नहीं कर पाया ब्रेजा पे। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रिक नहीं दिमाग में आया था? नहीं, मैं इलेक्ट्रिक प्रेफर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कभी कभी ऐसा भी होता है 500-600 किलोमीटर भी खिंच जाता है एक बार में। अच्छा। हाँ, तो मैं नहीं जा सकता इलेक्ट्रिक की तरफ, वो पर्सनली मैं नहीं जा सकता। तो लाइनों में लगना पसंद है आपको सीएनजी की? क्योंकि टाइम तो लगता है, सीएनजी वालों को पेशेंस भी रखना पड़ता है। सो यस, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं रात को 10 से 11 बजे पंप में जाता हूँ। अच्छा। ताकि मेरे को लाइन में ना लगना पड़े, और खुदा ना खास्ता अगर मैं फंस जाऊं, 11 ही जाते हैं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता मैं फंस जाता हूँ डे टाइम में। हाँ? तो मैं कुछ तो लेके बैठ जाता हूँ, या तो ईयरफोन वगैरह लगा के अपना। हाँ? कि अब मेरा 1 घंटा गया, या तो मैं सो जाऊंगा आराम से थोड़ी थोड़ी। तो कुल मिला के कहूँ कि अभी भी मतलब उतनी संख्या नहीं है पंप की जितनी गाड़ियाँ हो गई हैं, उस हिसाब से नहीं कि इजिली कोई जाए भरवाए सीएनजी चल दे। बल्कि मैं इसमें वाइस वर्सा एक बात बोलूंगा कि पंप बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी, गाड़ियां लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब लोगों का कॉन्फिडेंस आ गया है, लोगों को थोड़ा सा बिलीव आ गया है, हिचक दूर हो गया जब सीएनजी पे कई कंपनियों ने लॉन्च कर दिया ना। जी जी, ये जो कंपनी फिटेड आ रही है, इन्होंने अपना एक प्रदर्शन ऐसा दिया है कि लोगों को ट्रस्ट आ गया है, वरना पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, ट्रस्ट की बात की है तो टाटा पर कितना ट्रस्ट हो रहा है अभी तक, आप सर्विस वगैरह से कितने खुश हैं? ये आपने अब ऐसा क्वेश्चन कर दिया, ये थोड़ा सा मेरे को, मैं चाहूंगा अमित भाई कि मैं इसमें सच ही बोलूं। हाँ, बोलो ना, कौन रोकेगा? आई डोंट वांट टू फैब्रिकेट और मैनिपुलेट एनीथिंग। तो सच यही है कि मेरा ट्रस्ट पहले से ही टाटा पे था, और इसकी हैवीनेस मैं आज भी एडमायर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वाकई में टाटा टाटा है, मगर जब हम बात करते हैं सर्विस की तो फेलियर है। अच्छा, फेलियर है, मतलब वो मजा नहीं आता। तो दिक्कतें क्या क्या है इसमें, समझाइए, हो सकता है टाटा वालों को ये बात सुनाई पड़े। क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी खराब नहीं होती है, सर्विस में कई बार जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं लोग। राइट राइट। तो क्या होता है कि हम जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी के पास 2 चीजें होती हैं, या तो वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, या वो सर्विस दे रही है, या वो दोनों काम कर रही है। तो हम ऑटोमोबाइल्स के मामले में ये देखते हैं कि ज्यादातर कंपनीज दोनों ही काम कर रही होती हैं, इनफैक्ट सब भी कर रहे हैं, कि वो प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं और फिर वो सर्विस भी खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी वेंडर नहीं है, टाटा की खुद की सर्विस है, मारुति की खुद की सर्विस है। जब हम बात कर रहे हैं टाटा की सर्विस की, तो मैं आपको यहाँ आसपास के 4 सर्विस सेंटर की बात करूँगा, मेरठ, मोहन नगर, गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन, और एक आपका मोहन नगर से आगे है लोनी साइड में। मैं एक भी जगह पर अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह 8 बजे जाके आप लाइन में लगोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीएनजी की लाइन कुछ भी नहीं है, टाटा की लाइन में लग के देखो। अच्छा, सर्विस वाली में सुबह 8 बजे आप लगेंगे लाइन में। हुँ? और फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको आपकी कार कल मिलेगी। हुँ? और एक्चुअली वो इतनी लंबी चौड़ी लाइन है भी, मैं मानता हूँ, मगर उनके थोड़ा सा सर्विस भी बहुत स्लो है। हुँ? वो लोग काम नहीं करते हैं, या फिर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं,
या इनके हायर मैनेजमेंट इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि पता नहीं आपको शायद डैशबोर्ड की आवाज आ रही होगी, ये कचर कचर की आवाज है डैशबोर्ड की। ये मैं जब से मैंने गाड़ी खरीदी है उसके 500 किलोमीटर से फेस कर रहा हूँ, 11,000 किलोमीटर चला दिए, तीन सर्विस करा दी है और तीनों बार जाके मैंने स्पेशली बोला कि प्लीज मेरे ये डैशबोर्ड की आवाज निकाल दो। और एक बार उन्होंने पूरा थर्मोकॉल वगैरह डाला है इसमें, सब कुछ करा और बोला लो हो गया, अगले दिन फिर आवाज आनी शुरू हो गई। एंटरटेन नहीं करते आपको, ऐसा लगता है जैसे हम फ्री में जैसे भंडारा लेने जाते हैं, ऐसा लगता है गाड़ी लेके गए कि कोई हमें प्लीज हमारी सर्विस करके दे दो। अच्छा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। पैसे देते हो तो ज्यादा लगता है या पैसा? पैसा तो खैर ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, बट अभी क्या है कि जैसे फ्री सर्विसेज होती हैं तो फ्री सर्विस में उन्हें थोड़ा कुछ तो चाहिए, तो कभी वो नीचे वो करवा देते हैं, 3M का पेंट लगवा देते हैं कि आपका नीचे से कटेगा नहीं, कभी वो इंजन का लगवा देते हैं, वो थोड़ा बहुत उनका निकलता भी है इतना पैसा। अच्छा, वो चलता है मतलब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एसी की कूलिंग वगैरह सही लगती है? अच्छा नहीं, एसी की कूलिंग पर जाने से पहले बताइए कि ये सब कैसे आप मॉनिटर करते हो, क्योंकि सर्विस सेंटर के तो अंदर अलाउ होता नहीं है बंदा, तो ये कैसे पता चलता है क्या किया क्या नहीं किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है भाई मैंने आपको। मैं ये बात प्लग इन करने ही वाला था कि कैसे आपको बताऊं कि मैं इतना परेशान हुआ कि मेरे को डैश कैम लगवाना पड़ गया गाड़ी में। अच्छा हाँ, तो एक कंपनी है ब्लीड करके नाम है, तो मैंने उनका पूरा परफॉर्मेंस वगैरह देखा, मैंने और कंपनी से भी कंपेयर करा, तो मेरे को पता लगा कि ऐसे करके ना एक 4G डैश कैम है जिसमें आप अपने मोबाइल से बैठ के अपनी गाड़ी को मॉनिटर कर सकते हैं लाइव व्यू एनी टाइम। हाँ, तो ब्लीड का 4G डैश कैम करके मेरे को वो दिखा, तो मैंने लगा के ट्राई करा, मैंने कहा क्या यार देखते हैं, और पता चला कि हाँ गाड़ी कहीं भी खड़ी हो तो पता चल जाएगा। आवाज़ भी सुनाई देती है? सब ऑडियो वगैरह सब आता है अंदर, और वो लोग लिटरली ऐसी ऐसी बात करते हैं, अरे यार ये साला फिर आ गया, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में बोल नहीं रहा क्योंकि लेबर लोग हैं, ठीक है वो चलता है। बट फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है तुम कब दोगे, कल दोगे गाड़ी? डैश कैम लगा के दे दिया। ऐसा नहीं है उन्हें आइडिया नहीं डैश कैम का, पता था उन्हें डैश कैम क्या होता है, मगर उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि कोई 4G डैश कैम होगा और मैं लाइव देख रहा हूँ उन्हें बैठ के। अच्छा, तो अब पता चल जाएगा वीडियो। मैंने 1500 कट करवाया है, बोल के फुटेज दिखा के मैंने 1500 कट करवाया। मैंने कहा ये देखो इस वजह से ये पेंडेंसी आई है और इस वजह से तुमने मेरी एक दिन गाड़ी रखी है। अच्छा हाँ, और मेरे को कंसेशन चाहिए इस पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सजेशन है हमारे दर्शकों के लिए कि भैया कुछ करो मत करो, डैश कैम जरूर लगाओ, क्योंकि एक तो सामने वाले जो गलतियां करते हैं आप टूटते हैं उनको आप प्रूफ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आप जब सर्विस वगैरह पे जाएगी तो ये चीजें आपके लिए मॉनिटर करना इजी हो जाएगा, आपको पता चलेगा आपका व्हीकल किसके हाथ में कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या नहीं। तो इस पे ज्यादा कितना पैसा खर्च किया था इसके डैश कैम के लिए? सर ये 10,000 का प्रोडक्ट है। 10,000 का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। तो अब अपने मुद्दे पे लौटते हैं भाई साहब, तो मुझे ये बताइए एसी की कूलिंग कैसी रहती है इस गाड़ी की? अभी तक 3 सर्विस हुई है और एक सीजन निकाल दिया गर्मी का ऑलमोस्ट। मेरे को कूलिंग में कोई इशू नहीं आया। ये XM प्लस मॉडल है, इसका जो टॉप एंड वेरिएबल है उसमें यहाँ पे भी एक जो होता है कैबिन वाला एसी वो आता है, वो इसमें नहीं है। बट इसमें कभी मैंने मेरे जो पीछे बैठते हैं उनसे कभी सुना नहीं कि गर्मी लग रही है कुछ ऐसा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो परफेक्ट लगा मेरे को। अभी तक एक भी एसी फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, तो उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा है। एसी मेरे हिसाब से बढ़िया है, बस इसका जब फुल कर देते हैं फैन तब बहुत आवाज करता है। हाँ, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी गाड़ी में होता है। यूटिलिटी स्पेसेस से कितने संतुष्ट हो जो इसमें गाड़ी में दिए गए? सो स्पेसेस यहाँ पे बड़ा अच्छा सा आता है ना। हाँ, कि ये सबसे मेरे को नहीं लगता इसमें एक फ्रिज की स्पेस होगी, उससे ज्यादा स्पेस होगा। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। ग्लव बॉक्स बोलते हैं, ग्लव बॉक्स। तो इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा किसी का। अच्छा हाँ, इस छोटे सेगमेंट में इतना बड़ा तो नहीं है किसी का। अच्छा, इस गाड़ी में जब बैठते हैं तो गेट पूरा खुल जाता है। हाँ, तो वो अच्छा लगता है 90 डिग्री पे वो। कहीं ना कहीं एक इशू भी है कि ज्यादा खुल जाए कोई गिर ना जाए। कई दफा मुझसे ही बहुत ज्यादा खुल जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है कि अरे दोबारा बंद करना पड़ रहा है। अच्छा, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में 90 डिग्री ओपन होना कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा हाँ, स्पेशली फॉर इंडियन रोड्स, हमारे पास इतना जगह ही नहीं होती कि इतना गेट खोल पाए। अच्छा, मगर मैं फिर दोबारा एक बात बताऊंगा कि बैलेंसिंग और अलाइनमेंट मैंने दो बार करा दी और अब तीसरी बार फिर खराब है। अब ये मेरे को नहीं पता ये मेरा ड्राइविंग इशू है या इसके एक्सेल में इशू है। कुदा देते होगे कहीं, टाटा समझ के कुदा देते होगे कहीं? नहीं,
मैं थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा कि हाँ, मैंने पहले एसयूवी बहुत टाइम तक चलाई है, तो हो सकता है मेरी ड्राइविंग में हो सकता है तो अपने पे कुछ चीज अपने पे ले लेना अच्छा है। मैंने ले लिया सीएनजी। किसी को क्यों सजेस्ट करोगे एल्ट्रॉस सीएनजी? हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने भी एल्ट्रॉस के और पहले ओनर्स हैं, जब तक सीएनजी नहीं आई थी, वो आज की रेट में हमें जब देखते हैं तो उनको लगता है यार एटलीस्ट इन्हें एक प्रॉफिट है कि सीएनजी मिल रहा है। अच्छा, अदरवाइज मैं एल्ट्रॉस क्यों प्रेफर करूंगा अगर सीएनजी नहीं होगी? दूसरा, कोई भी सीएनजी की कार इसलिए ली जाएगी क्योंकि अब ये पहले जो होता था कि ठंड हो रही है, गैस ज़्यादा आ जाती है, गर्मी में गैस कम आ रही है, ये सारे इश्यूज कंपनीज ने खत्म कर दिए हैं। कंपनी फिटेड ज़्यादा बेटर, कंपनी फिटेड बेस्ट चीज़ है। और सीएनजी मेरे हिसाब से अगर बूट स्पेस के साथ आ रही है तो आपको वो प्रेफर कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी पेट्रोल में कितना माइलेज मिलता है, कभी वो भी निकाला? हाँ, अभी मेरे को ये 13 का आ रहा है। अच्छा, 13 का माइलेज दे रही है। हाँ, इसकी एक स्पेशल चीज़ है टाटा की कि ये ऑटो स्टार्ट होती है सीएनजी पे। सीएनजी स्टार्टेड है। हाँ, जैसे मारुति की आपको पेट्रोल स्टार्टेड होती है, ये सीएनजी स्टार्टेड होती है। तो मैं कई दफा ऐसा भी होता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती पेट्रोल डलवाने की। हाँ, जरूरत ही नहीं क्योंकि स्टार्ट भी वो पेट्रोल पे ही हो रही है। हाँ, मैं इसमें पेट्रोल फुल रखता हूँ। कई दफा कभी कोई इशू ना आ जाए, कोई जरूरत पड़े, मगर जरूरत पड़ी नहीं रही है पेट्रोल की। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ रही है पेट्रोल की आपको। सस्पेंशन वगैरह ठीक लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से? हाँ, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत हैवी है तो मेरे को वो फील नहीं आता कि डब 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 करके कोई स्लग। अच्छा, कहीं अंडर पावर फील होती है? हाँ, व्हेन इट कम्स टू सीएनजी। अच्छा, तो होती है। अच्छी स्पीड कौन सी है जिस पे चलाना चाहिए लोगों को इसे? इंडियन रोड्स के हिसाब से प्रेफरेबल 80 की स्पीड है। 80 पे चलाओ, ये गाड़ी भी अच्छी चलेगी। गाड़ी भी अच्छी चलेगी 120 130 तक ये मैक्सिमम जाती है। चलाना नहीं चाहिए, जाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 140 पे ये अपना कंट्रोल मेरे को लगता है लूज कर जाती है। मतलब फिर भगवान के हाथों में आपका कंट्रोल। हाँ, फिर आप स्टीयरिंग नहीं चला रहे हो, आप गाड़ी नहीं चला रहे, उड़ा रहे हो, भूल जाओ कि आपके पास थोड़ी देर बाद आप यमराज के भैंसे को बुलाने वाले हो, बस और कुछ जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे जस्सी, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने गाड़ी का जो है मॉनिटरिंग वगैरह कर लेते हैं। एक ऐसा कस्टमर रिव्यू लिया है, ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस लिया है जो कि बड़े यूनिक अंदाज में इन्होंने दिया। डैश कैम लगवा लिया जैसे सर्विस वाले क्या कर रहे हैं वो पता चलता रहे, और उतनी देर सुनते हैं बैठ के। सबसे अच्छी बात मतलब पेशेंस का, मतलब जो सीएनजी चलाते हैं वो धैर्य बहुत रखते हैं। ये तो ये एक चीज क्लियर हो चुका है। तो और अपनी इस गाड़ी से कितने खुश हैं, क्या क्या किया है वो सब कुछ बताया। भैया, कितने किलोमीटर चलाए थे तो बताया नहीं आपने? शुरू में बता दिया था आपने, 11,000 चला दिया मैंने। अच्छा, 10,211 किलोमीटर चला दिया ओडोमीटर। हाँ, ये ओडोमीटर पे है 10,211 किलोमीटर। तो भैया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आपके पास में भी एल्ट्रॉस सीएनजी है या टाटा की कोई सीएनजी गाड़ी है? आप मेरे साथ कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर आके तुरंत मैसेज करिए। हमारा इंस्टा हैंडल है amit.dvedi। जब आप मैसेज करेंगे हम आपको फोन करेंगे, तो फोन नंबर भी दीजिएगा जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सके, और आपके साथ भी एक बुलंद आवाज में वीडियो किया जाएगा। तो हर बात नेगेटिविटी नहीं होती है, अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है तो फीडबैक होता है, और मुझे लगता है टाटा को इस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपने सर्विस नेटवर्क को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच अमित भाई। चलाते रहिए सीएनजी। थैंक यू।